जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, ऑर्थराइटिस का दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति को न केवल चलने फिरने बल्कि घुटनों को मोड़ने तक में बहुत परेशानी होती है। घुटनों में दर्द होने के साथ साथ दर्द के स्थान पर सूजन आ जाती है। इस दर्द से राहत दिलाने में आपका सबसे बड़ा हमदर्द होता है आहार और घरेलू नुस्खे। तो आइए जान लेते हैं ऑर्थराइटिस में घरेलू नुस्खे सबसे सुरक्षित हैं, कौन से हैं, विस्तार से हम इसको देख लेते हैं। अपने आहार में यानी खानपान में 25% फल और सब्जियों को शामिल करें। ध्यान रखें कि आपको कब्ज ना हो। फलों में संतरे, मौसमी, केले, सेब, नाशपाती, नारियल, खरबूजा, तरबूजा आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। सब्जियों में मूली, गाजर, मेथी, खीरा, ककड़ी आपके लिए फायदेमंद होंगे। चोकर युक्त आटे का प्रयोग करें क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। अब दर्द से राहत पहुंचाने वाले घरेलू नुस्खे देख लीजिए। इनको इस्तेमाल करना है, बहुत साधारण नुस्खे हैं। फिर कहीं आप इनको इस्तेमाल करो नहीं, एक नुस्खा इस्तेमाल कर लिया फिर आप बोलोगे बैठ जी हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तो आप देख लीजिए, दर्द के समय आप सनबाथ ले सकते हैं। 5 से 10 ग्राम मेथी के दानों का चूर्ण बनाकर सुबह पानी के साथ लें। 4 से 5 लहसुन की कलियों को 1 पाप दूध में डालकर उबाल कर पिए। लहसुन के रस को कपूर में मिलाकर मालिश करने से भी दर्द में राहत मिलती है। कपूर पूजा वाला होना चाहिए। लाल तेल से मालिश करना भी आरामदायक होता है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर दिन में 2 से 3 बार आप पीजिए, आपको बेहद फायदा पहुंचेगा। सोने से पहले दर्द से प्रभावित क्षेत्र पर गर्म सिरके से मालिश करना ना भूलें। शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रखें। जोड़ों के दर्द से बचने के लिए सबसे अच्छा है गोमुखासन। आप गोमुखासन जरूर करिए, आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है। ऑर्थराइटिस लंबी बीमारी, लंबे समय तक चलती है, इसलिए मरीज को दवाओं से ज्यादा बचाव और सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। आज फिजियोथेरेपी से लेकर नेचुरोपैथी तक में ऑर्थराइटिस के बहुत ही समाधान निकल गए हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे और सावधानियां सबसे सुरक्षित उपचार है। आप ये कीजिए और आप ऑर्थराइटिस से छुटकारा पाइए। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।